हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 यामा R15 M आपके सामने खड़ी है। न्यू कलर ऑप्शन ये है। एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजंस टू बाई यामा R15 M। इस सेगमेंट में आपको 155 सीसी में ऐसी कोई भी बाइक्स नहीं मिलती जो चीज़ें इसमें ऑफर होती है, तो टॉप 5 रीजन बोलेंगे इसको लेने के लिए। एंड क्या इसमें आपको फीचर्स ऐसे जो कि हाईलाइट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भाई R15 M लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो को इन तक बने रहिएगा, इससे रिलेटेड आपको पूरी चीज़ें मालूम चल जाएगी। इसका फुल डिटेल रिव्यू, टेक्निकल वॉक अराउंड आपको भाई चैनल पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी शो हो रहा होगा, बिल्कुल आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, यामा की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल युवराज यामा पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग इसके फर्स्ट रीज़न की बात करते हैं भाई, वो पहले इसका आपको वॉकराउंड दे देता हूँ भाई। पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट करिए। ये जो नया कलर ऑप्शन आपके सामने आया हुआ अपने एम का, जिसको ब्लैक पसंद था भाई, इतनी बढ़िया इसकी प्रोफाइल लग रही है ना भाई, पूरी ब्लैक कलर आपको फ्रंट में, आपको पूरी मैट फ्रंट में आपको पूरी ही आपको पियानो ब्लैक देखने को मिल जाती है। एंड कुछ इसमें आपको स्प्रिंकल फिनिश भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल जाता है यामा का लोगो, बढ़िया बात है। यामा जो अपना R15 M आ रहा था मेटालिक ग्रे जो था, वो ये अपने को भाई काफ़ी बढ़िया मेटालिक ब्लैक भी आप इसको बोल सकते हैं, पैनल वो आपको पूरा ग्रे मिलता था, ये आपको पूरा ब्लैक मिल रहा है, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है एज़ कम्पेयर टू मेटालिक ग्रे। आप लोग की क्या रहा है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। वॉकराउंड आप लोग देख लीजिए, फ्रंट का सभी दिखाई दिया हमें, ये इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल, लेफ्ट साइड प्रोफाइल है। यहाँ पर भी हालांकि टैंक आपको ग्रे कलर का ही मिल रहा है, एंड ये पार्ट आप देख रहे हैं तो मेटालिक ग्रे में ग्रे कलर का आता है, एंड ये प्रॉपर साइड पैनल भी अपने को ग्रे आ जाता है उसमें। अलॉय व्हील हालांकि ब्लू ही देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपको रेसिंग ब्लू एंड मेटालिक ग्रे में देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइट पर आप पूरी चेकआउट करिए सर। सो गाइज, ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। फर्स्ट रीज़न की बात करें तो भाई इसकी स्टाइलिंग, इस गाड़ी का जो लुक है इस सेगमेंट के 155 सीसी में, ऐसा गाड़ी का लुक डिज़ाइन आपको कहीं नहीं देखने को मिलती है। एक तरीके से ये भाई अपनी सुपर बाइक देखने में लगती है। हालांकि 155 सीसी है तो ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन जो इसका कटिंग एजेस फेयरिंग लुक है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। बल्कि डिज़ाइन पूरी एग्रेसिव इसका भाई, राइडिंग पोस्चर बहुत बढ़िया भाई, कटिंग एजेस भी इसका सही है, फेयरिंग वगैरह आप देखते हैं, आप पूरी देखिए तो इतनी बढ़िया गाड़ी ये लगती है। तो पहला इसका जो लुक है डिज़ाइन, सभी को ही फर्स्ट मतलब इंप्रेशन भी अच्छी लगती है, पहली नज़र में ही आपको अच्छी लगती है भाई, चाहे कोई भी बंदा हो, क्योंकि गाड़ी का ये डिज़ाइन ही ऐसा है, या फेयरिंग का देखते हैं यूज़, या फिर जो कटिंग एजेस वगैरह ये सब आप देखते हैं, वो इस व्हीकल का इतना ज़्यादा बढ़िया है ना भाई, पूछो ना। बाकी मटेरियल क्वालिटी इस व्हीकल का भी सही है, हालांकि थोड़ी सी भाई गिरने पे लंबा खर्चा लेते आती है, तो आपको सेफली राइड करना होता है, बिकॉज यहाँ पे जो इसके बॉडी वगैरह आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, क्योंकि भाई जो इसकी क्वालिटी है या फिर इसमें आपको जो पैनल वगैरह मिलते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। बाकी गाइस, पहला था इसका भाई लुक, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी गाइस, आ जाते हैं हम लोग इसके प्रीमियम फीचर्स पे। प्रीमियम फीचर्स मतलब क्या, क्योंकि जो 155 सीसी R15 M में अपने को फीचर्स मिल जाते हैं, वो अच्छे सीसी बाइक्स में भी नहीं मिलते हैं, अच्छे कंपनी के बाइक्स में भी आपको नहीं ऑफर होते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ULG फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और ऑल LED सेटअप लाइट्स, जहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस LED सेटअप में लाइट मिलती है। हालांकि ये आपको दिखने में छोटी लगती है, लेकिन काम इसका काफ़ी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग एंड वाइड यहाँ पे आपको लाइट का थ्रो देखने को मिल जाता है इसमें। पहला सस्पेंशन, दूसरा ऑल LED सेटअप लाइट, तीसरा गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया कलरफुल TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया भाई मोड्स वगैरह के साथ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ प्लेंटीज ऑफ फीचर्स आपको उसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको क्लस्टर भी ऑफर हो रहा है प्रीमियम फीचर्स के अंदर, ये भी आ जाए, उसी के कंट्रोल्स आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। एंड तीसरा जो चीज़ है वो गाइस, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, VVA, ये सब देखने को मिल जा रहा है भाई, मतलब समझ रहे हैं, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, बढ़िया बात है भाई। ये सब चीज़ें आप देखते हैं तो भाई आप कावासाकी में भी चले जाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो गाड़ियाँ 6-7-8 लाख में जाती वो भी इसमें नहीं मिलती, वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिली। या फिर TVS में RTR 310, या फिर TVS में आ रहा 310, या फिर पल्सर RS 200 को देखते हैं, तो वो सब चीज़ें, इतनी पूरी चीज़ें, एक दो फीचर्स मिल जा रहे हैं, लेकिन इतनी चीज़ें आपको नहीं मिलती जो कि इस प्राइस पॉइंट पे अपने R15 M में मिले। हालांकि भले इसकी प्राइस आप देखते हैं तो अभी तक पहुंच गई है 2,33,469 ऑन रोड वाराणसी में, ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है भाई। तो पहला भाई था इसका स्टाइल, दूसरा भाई था इसके प्रीमियम फीचर, एंड अगर तीसरे की बात करते हो तो भाई फन टू राइड प्रॉपर ये व्हीकल है। इतनी हैवी मतलब दिखने में आपको लग रही होगी बहुत हैवी व्हीकल है, इतनी भड़कीली लग रही है, तो भाई राइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, हैंडलिंग वगैरह में सिटी में दिक्कत होगा चलाने में। भाई आप एक बार आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, व्हीकल एकदम फन टू राइड है, एकदम इजीली आप चलाएंगे, इजीली हाई स्पीड में कट मारिए, हाई स्पीड में भाई इसमें अगर आप हैंडलिंग वगैरह आप देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होने वाली। हाई स्पीड में अगर आप ब्रेकिंग करेंगे, कॉर्निंग में भी ब्रेक मारते हैं, तो व्हीकल स्टेबिलिटी अपनी नहीं खोती है, अच्छे से भाई अपना स्टेबल रहती है। ये मुझे R15 M, क्योंकि मैं इसको राइड कर रखा हूँ, काफ़ी बढ़िया है। आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
सिटी में है, ट्रैफिक है, काट पीट करना है, बिल्कुल आराम से आप इसको चलाइए। हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम इस व्हीकल में नहीं आता है, क्योंकि बहुत लोग को लगता है हैवी बाइक है तो आपको दिक्कत आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं गाइस, एकदम काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड ये व्हीकल है। वेट में भी हल्की है, दिखने में जितनी भारी लगती है उतनी ज़्यादा भारी ये बिल्कुल है नहीं भाई। बाकी गाइस ये था पहला था भाई अपना स्टाइलिंग इसका ओवरऑल, दूसरा भाई इसका था प्रीमियम फीचर, तीसरा भाई अपना ये था फन टू राइड है प्रॉपर व्हीकल। एंड अगर चौथे की बात करें तो भाई ये इसका जो इंजन है 155 सीसी का इंजन है भाई, 200 तक से बीट करने का ये औकात रखता है। हालांकि भले टॉप एंड में जाके थोड़ा सा पीछे हो जाता होगा, लेकिन भाई इनिशियल में देख लेते हैं आप, इनिशियल में भी थोड़ा सा ये मतलब टॉप एंड का किंग है ये, इनिशियल में थोड़ा सा आप देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं फील हो पाता, लेकिन भाई ठीक है भाई, चाहिए क्या इस प्राइस पॉइंट पे। और 155 सीसी की इंजन है, और 155 सीसी की इंजन है अप्रॉक्स 150 किलोमीटर पर आवर तक इसमें आपको टॉप स्पीड ऑफर होती है, 20 है भाई अपने सेगमेंट में। एंड कहीं से भी आप इसको मतलब कंप्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे, चाहे फीचर्स से, चाहे कंफर्ट से, चाहे सीट हाइट से, चाहे भाई इसके कलर ऑप्शन से, बहुत सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल होती है। हालांकि एम सिर्फ दो में आते हैं मेटालिक ग्रे, एंड ये आपके सामने मेटालिक ब्लैक खड़ा हुआ है, कहीं से आपको ये दिक्कत नहीं करेगी। और बढ़िया बात की माइलेज ये आपको 50 किलोमीटर पर आवर तक की दे देती है। इस सेगमेंट की व्हीकल्स आप देखेंगे तो 35 से 40 तक में, 40 तक में तो भाई छोड़ दीजिए, 30 से 35 तक चलती है, आपको 50 प्लस भी दे देती है, कुछ लोग इको में राइड करते हैं। तो अगर आप शौक रखते हैं इतने हैवी बाइक लेने का तो भाई माइलेज भी ये व्हीकल आपको बिल्कुल संतुष्ट कर देती है माइलेज से। एंड गाइस अगर आप पांचवें रीज़न की बात कर लेते हैं तो गाइस इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भाई, यहाँ पे आपको जो बॉडी पैनल ओवर देखने मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम आपको सभी चीज़ फाइबर मिलती है, लेकिन ये सब की पैनल आपकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। चाहे अगर आप बात कर लेते हैं फ्रंट फेंडर की, ये सब की क्वालिटी अगर आप देखते हैं, ये प्लास्टिक है, हर एक चीज़ की क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड नीचे अगर आप ये सब अगर आप देखेंगे जॉइंट जो है, तो कहीं भी आपको गैपिंग वगैरह नज़र नहीं आएगी, प्रॉपर इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाती है। एंड ये सब पार्ट्स भी आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबल मिलती है, जिससे कि अगर इन केस थोड़ा सा अगर इस पे लगता है तो ये भाई क्रैक ना हो, टूटे ना, इजली फ्लेक्सिबल देखने को भाई आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर इसको एरोडायनेमिक शेप देने की कोशिश करिए, जिससे कि हाई स्पीड में व्हीकल काफ़ी ज़्यादा भाई स्टेबल रहे। और पैनिक ब्रेकिंग वगैरह आप करते हैं तो उसके लिए डुअल चैनल ABS का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि व्हीकल स्किड वगैरह भी ना हो भाई। बाकी ये पार्ट पहले आपको फाइबर का मिलता था, टूट जाता था, अब काफ़ी बढ़िया ये भाई इसको क्वालिटी इसको इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़िया बात है। रियर प्रोफाइल आप चेकआउट कर लीजिए इसकी। सो गाइस ये थी भाई अपनी ऑल न्यू Yamaha R15 M न्यू कलर ऑप्शन की 5 रीजंस लेने के लिए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिटेल रिव्यू नहीं था वो आपको भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा लिंक, आप जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसको अभी हाईलाइट पे रखा गया आप देख लीजिए। होप करता हूं सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसी बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी छपाने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।